नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा बार्स के बारे में बताऊंगा। बीम में एक्स्ट्रा बार क्यों प्रोवाइड की जाती है, आपको किस तरह से एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप भी अपने घर को मजबूत व सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या फिर आप अपना घर किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की जानकारी जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूं अविनाश शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा बार जो है, टॉप एक्स्ट्रा बार या फिर बॉटम एक्स्ट्रा बार जो है, वो बीम्स में क्यों प्रोवाइड की जाती है। देखिए, सैगिंग और हॉगिंग, आपने ये दो टर्म्स को पढ़ा होगा अगर आपने जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की है। अगर नहीं की है तो सैगिंग क्या होता है, देखिए सैगिंग जो है वो आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है और हॉगिंग जो है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को, सैगिंग और हॉगिंग को, जो भी आपकी फोर्स लगेगी इस बेंडिंग मोमेंट को जो है वो रेजिस्ट करने के लिए, हम टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा बार बीम में प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हम स्लैब में भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बीम के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि नीचे बीम में जो है वो दो एक्स्ट्रा बार जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, जो कि आप बिल्कुल बॉटम में देख सकते हैं। और इसी के साथ जो है वो कहीं पर दो तो कहीं पर तीन या फिर पाँच भी एक्स्ट्रा बार जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके बीम के ऊपर, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर कितना लोड आ रहा है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कहीं पर दो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की गई हैं, कहीं पर दो से ज़्यादा एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा बार है वो कुछ एक लेंथ तक जो है वो रखी गई हैं, उसके बाद जो है वो उसे काट दिया गया है, या फिर L बाई फोर और L बाई थ्री डिस्टेंस तक ज़्यादातर जो है वो इन टॉप एक्स्ट्रा बार को और बॉटम एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड किया जाता है। वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो जिस तरह का लोड जो है या फिर जितना लोड जो है वो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा, आपके बीम के ऊपर आएगा, स्लैब के ऊपर आएगा, उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर आपकी टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार का डाया डिपेंड करता है। कितने डाया की स्टील बार का इस्तेमाल करने हैं, कितने नंबर ऑफ स्टील बार का आपको किस तरह से यूज़ करना है, प्रोवाइड करनी है, तो वो सारी जानकारी जो है वो लोड को कैलकुलेट करके मिलती है। आपको फिक्स नहीं है कि आपको जो है वो दो ही टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है, तो इस बारे में जो है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ये इसकी जानकारी जो है वो आपकी बिल्डिंग पर कितना लोड आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करने के बाद ही मिलती है। लेकिन आपको जो है वो मैं आप इस वीडियो में टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब भी अपना घर बनाएं तो एंड ऑफ द सपोर्ट, आपने देखा होगा जहाँ पर कॉलम है तो एंड ऑफ द सपोर्ट आपको यहाँ पर जो है वो L बाई थ्री या फिर L बाई फोर डिस्टेंस में, जिस तरह से आपके जो बिल्डिंग में या फिर जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जिस उस हिसाब से जो है वहाँ पर मेंशन होती है, उसी प्रकार से आपको जो है वो टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ज़्यादातर जो है वो ड्राइंग्स में L बाई थ्री डिस्टेंस पे जो है वो आपका, अगर देखिए कॉन्टीन्यूअस बीम है, बीम जो है वो कॉन्टीन्यूअस है और जहाँ पर कॉलम है तो दोनों तरफ L बाई थ्री डिस्टेंस पे और दूसरी तरफ भी कॉलम से L बाई थ्री डिस्टेंस में प्रोवाइड की जाती है। जब कॉन्टीन्यूअस बीम है, आपका कॉलम है और दोनों साइड जो है वो बीम जा रहा है, और जब एक साइड बीम जो है वो आपका एक साइड जो है वो नहीं है, मतलब कि एक कॉलम है जहाँ तक बीम है, उसके बाद जो है वो बिल्डिंग नहीं है, आगे स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ उस सपोर्ट से आपको जो है वो L बाई फोर डिस्टेंस तक जो है वो टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो लोड के हिसाब से जो है वो ये डिसाइड किया जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के द्वारा कि किस तरह से जो है वो आपको टॉप एक्स्ट्रा बार, बॉटम एक्स्ट्रा बार, उनका डाया क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, वो सब कुछ जो है वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा कि
कितने एमएम की और कितनी बार जो है वो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए घर की कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, कमर्शियल बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, सब बिल्डिंग में जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो आपके लोड आते हैं। इसी के साथ स्पैन कितना लंबा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी टॉप एक्स्ट्रा बार आएंगी और डाया क्या रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बता दूँ तो जो टॉप एक्स्ट्रा बार होंगी वो आगे बीम से जो है वो बेंड कर दी जाएंगी एल शेप में, इसे हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको हर एक बार को जो आपकी टॉप एक्स्ट्रा बार है या फिर बीम की जो मेन बार है बॉटम की हो आपकी जो है वो टॉप बार हो, उन्हें जो है वो ऊपर से जो बार जा रही हैं जो टॉप बार्स हैं बीम की उन्हें नीचे की तरफ एल शेप में बेंड करना है और नीचे से जो आ रही हैं उन्हें ऊपर की तरफ बेंड करना है, इसे डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। एल डी जो है वो 50 × D होता है, 50 times of D। अगर देखिए लोड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बीम के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन जो है वो जब भी आप बिल्डिंग बनाए तो LD जो है डेवलपमेंट लेंथ जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करें। लेंथ जो है वो LD की ऊपर नीचे हो सकती है, उसे कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूला की मदद से, वो भी मैं आपको वीडियो में आपकी स्क्रीन में जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो किस तरह से आप जो है वो डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, अगर आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग है तो वहाँ पर सब कुछ मेंशन होता है। अगर आप खुद भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला की मदद से जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।